दोस्तों, वर्तमान समय में आप लोगों के द्वारा ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे आ रहे हैं। पर डे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं और सबका सवाल यही है, ट्रिपल सी मार्च का रिजल्ट कब आएगा। दूसरे ये पूछते हैं कि सर, अप्रैल और मई का एग्जाम कब होगा, क्या अप्रैल का एग्जाम होगा भी या फिर से हमें फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या ओ लेवल एग्जाम की डेट भी बढ़ जाएगी। और इन सारी कंडीशंस में जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है तो एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। तो आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल सी मार्च के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ भी चुका है। जिन्हें नहीं पता है कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो आइए देख लीजिए कि किन लोगों का रिजल्ट आया है और किसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। दोस्तों, यहां पर रिजल्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट रिजल्ट कैन बी व्यूड प्रिंटेड फ्रॉम 18 मार्च 2020, 18 मार्च 2020 को कुछ अल्फाबेट्स के जो भी रिजल्ट हैं उनको अपलोड कर दिया गया था, जैसे AJ, AR, GG, SM, AZ, NG, AU, CH, DL, IM, KK और R। जिनका भी रोल नंबर इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी यूपी का रिजल्ट पेंडिंग में हो गया और यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं हर बार, तो जिनका GO से स्टार्ट है उन सभी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। इसके अलावा अदर में भी कुछ लोगों का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर पूरे देश में लॉकडाउन है और इस स्थिति में सारे वर्कर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में नाइलेट ने 31 मार्च को ही एक नोटिस दे दिया था और उस नोटिस में उसने बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, जो भी कार्रवाई की जा रही है, उसके तहत सारे कार्य हम स्थगित कर रहे हैं और जो भी हमारे इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं वो भी सारे कामों को अभी बंद कर दें। दोस्तों, जब सारे काम बंद हैं, वर्कर्स नहीं हैं, तो आपका रिजल्ट अभी अपलोड नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको वेट करना होगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट अपलोड हो सकता है। दूसरी चीज यहां पर बात आती है अब कि अप्रैल और मई का एग्जाम कब होगा। दोस्तों, जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। लॉकडाउन कब खुलेगा ये किसी को भी नहीं पता है, बढ़ने के भी आसार हैं। दोस्तों, जो एजुकेशन है वो थर्ड लेवल के अंतर्गत आएगा। अगर लॉकडाउन खत्म भी होगा तो सारी पाबंदियां हैं वो एक साथ नहीं हटाई जाएंगी। पहली जो बहुत ही जरूरत वाली चीजें हैं उनको ही चालू किया जाएगा। तो शिक्षण संस्थान जो हैं ये आपके थोड़ा लेट से ही ओपन होंगे और जब तक आपके शिक्षण संस्थान ओपन नहीं हो जाते हैं कोई भी एग्जाम्स आपके नहीं होंगे। ये तो अब फिक्स है यहां पर आपका कि अप्रैल और मई इन दोनों मंथ का एग्जाम एक साथ होगा। अप्रैल में किसी का एग्जाम नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। हो सकता है मई में आपका एग्जाम हो जाए, 100 में से 50% उम्मीद है कि मई में आपका एग्जाम हो जाए। अगर मई में एग्जाम नहीं होता है तो जून में आप सभी का एग्जाम होगा। अप्रैल, मई और जून इन सभी का एक साथ। पिछले साल भी मई में जब चुनाव था, मार्च एंड अप्रैल इन दोनों मंथ के एग्जाम हुए थे मई में, ठीक है, 25 मई के बाद, तो एक साथ एग्जाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रैल में एग्जाम नहीं होंगे, मे बी मई या जून में आपके एग्जाम हो सकते हैं। तीसरा सवाल है यहां पर ओ लेवल एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। दोस्तों, ओ लेवल का एग्जाम तो वैसे भी जुलाई में होता है, तो अभी ओ लेवल एग्जाम डेट बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये बात अलग है कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी डेट बढ़ाई गई है। आप सभी लोग 25 अप्रैल तक ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो अपना पेपर भी लॉक कर सकते हैं। पेपर लॉक करने की जो डेट है वो है 8 मई 2020। यहां देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर इंस्टीट्यूट कैंडिडेट 8 मई 2020। चाहे वो डायरेक्ट कैंडिडेट हो या इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हो, सभी लोग 8 मई 2020 तक अपना पेपर लॉक कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। वैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी 25 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है
और एक चीज ये भी फिक्स है कि 25 अप्रैल के बाद ओ लेवल की डेट नहीं बढ़ेगी, ये आप लिखकर रख लीजिए। तो आप सभी लोग अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए और ओ लेवल एग्जाम के लिए हम कैसे तैयारी करें। इसके लिए अलग से वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, जल्दी ही पोस्ट करूंगा, हो सकता है आज ही पोस्ट कर दें या फिर कल इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि ओ लेवल का सिलेबस भी चेंज हुआ है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आपको तैयारी करनी है एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अगर आपने चैनल देखा है तो आपके लिए मैंने एक वर्क यहां पर कर दिया है। प्रेजेंट टाइम पर ट्रिपल सी की वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो ट्रिपल सी की क्लासेस प्रेजेंट टाइम पर नहीं चला रहे हैं। आपके लिए मैंने एक कार्य किया है, लगभग 400 से ज्यादा वीडियोस ट्रिपल सी के हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम कहां से स्टार्ट करें। दोस्तों मैंने आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। लास्ट चैप्टर आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ये फिर आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट क्वेश्चंस विद कंप्लीट सिलेबस, ऐसे ही अगर आप देखें लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं। आप एक सीक्वेंस से फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक प्लेलिस्ट और मिल जाएगी ट्रिपल सी मैराथन क्लास की, जहां पर आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएंगी। वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल के नाम से भी आपको मिलेगा, यहां पर भी ट्रिपल सी के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ट्रिपल सी एग्जाम को पास ही नहीं ट्रिपल सी एग्जाम टॉप भी कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस को देखते रहिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में 1000 प्रश्नों के साथ साथ अब मैंने 2000 प्रश्न कर दिए हैं, 2000 प्रश्नों की पीडीएफ की लिंक भी है, उसे भी आप अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। दोस्तों एक नया चैनल मैंने क्रिएट किया है, जहां पर अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं, तो उस चैनल को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। पर डे क्लासेस आपकी प्रोग्रामिंग की होती रहेंगी, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।